हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईंटों का चूल्हा बनाएंगे, ये देखिए। और आज हम इस पे ही खाना बनाएंगे। एक पे एक ईंटें जमा लेंगे हम इस तरीके से। बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये हमारा चूल्हा बन करके तैयार है। अब हम इस पे खाना बनाएंगे। ये फ्रेंड्स, हमने 2 किलो गोश्त ले लिया है। ये हमने 1.5 किलो प्याज काट ली है। ये 4 चम्मच मिर्ची है, 4 चम्मच धना पाउडर है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच नमक है, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चक्रीफूल, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 2 पत्ते तेजपान के, थोड़ा सा पत्थर फूल, जायपत्री, लौंग और 2 इलायची, ये हमने लिया है। और अब हमने जो चूल्हा बनाया है, अब हम उसे बनाएंगे ये सब। अब हम इस पतीले में पीली मिट्टी का पेंदा लगाएंगे, जिससे कि हमारे बर्तन काले नहीं हों। इनमें मिट्टी में हमने पानी मिलाकर घोल बनाएंगे। इस तरीके से हम मोटा मोटा इसमें मिट्टी लगा देंगे। ये देखिए, हमने चारों तरफ से इसमें मिट्टी लगा दी। ये देखिए, हम इसमें लकड़ी लगा रहे हैं। तरीके से हमने लकड़ी लगा लिया। अब हम इसमें चिंदियाँ डालेंगे। ये हम इसमें कतरने लगा रहे हैं। ये हमने इसमें चिंदी लगा दी हैं। अब हम इसमें आग लगाएंगे माचिस की हेल्प से। ये हमने इस तरीके से माचिस से इसमें आग लगा दी है। अब ये है ना, पूरी लकड़ियाँ जल जाएंगी। और फिर उसके बाद में हम इस पर, ये देखिए, इस तरीके से आग चेतती है। आप चाहें तो कागज़, पन्नी या केरोसिन डालकर भी लगा सकते हैं। देखिए, आग चेत चुकी है। अब हम इस पर पतीला रख रहे हैं। ये देखिए, पतीला गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 लीटर इतना तेल डाल रहे हैं। जब ये तेल गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें गर्म मसाला डालेंगे। ये तेल गर्म हो चुका है हमारा, मैंने इसमें प्याज डाल के देखा है। अब मैं इसमें गर्म मसाला डाल रही हूँ। ये हमारा गर्म मसाला हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। ये हमारी प्याज डल चुकी है। अब हम इसे गोल्डन फ्राई होने तक पकाएंगे। ये हमारे प्याज गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये देखिए, ये 100 ग्राम इतना अदरक लहसुन का पेस्ट है। हमने दोनों मिक्स करके पीस लिए थे। अब हम इनको भी गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। हल्दी नमक और मिर्च अभी डाल देंगे, ताकि इसका पानी टूटेगा इतनी देर में, ये इसमें ऑब्जर्व हो जाए। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे।
ये बहुत टेस्टी और यमी लगता है और सौंधा सौंधा बनता है। आप कभी भी इसको चूल्हे पे बना करके देखिएगा। देखिए ये इसका पानी बिल्कुल टूट चुका है। अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। ये हमने इसमें धनिया डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मसाला अच्छे से भुन गया। अब हम इसमें पानी डालें। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मसाला अच्छे से भुन गया। अब हम इसमें पानी डालेंगे एक लोटा हमारी सब्ज़ी गलने के लिए। अब हम इसको ढक करके और इसमें कप डाल करके रख देंगे जिससे कि जल्दी से गल जाए। हम इसे ढक देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सब्जी खड़क चुकी है। अब हम इसको चेक करेंगे गली या नहीं। बहुत अच्छे से हमारा मसाला भी भुन चुका है इसका। ये देखिए, कितने अच्छे से तरी भी आ चुकी है इसमें। ये देखिए, अब हम इसका पीस निकाल करके चेक करेंगे गला या नहीं। थोड़ा सा पानी डाल करके चेक करेंगे। ये देखिए गल चुका है, अलग हो गया है ये। अब हम इसको थोड़ा भून लेंगे मंदी मंदी आंच में इस तरीके से। ये इस तरीके से अब हम इसको यूँ चला चला करके घोट लेंगे जिससे कि इसके जो थोड़े बहुत प्याज रह गए हैं, ये दिख रहा ना चम्मच में, ये बिल्कुल सही साट हो जाएंगे और ये मसाला बिल्कुल एकदम फाइन हो जाएगा। ये देखिए, ये अच्छे से फाइन हो चुका है बिल्कुल। अब हम इसे थोड़ा सा सूप कर देंगे। ये देखिए, इसमें हम एक लोटा पानी डाल रहे हैं। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। अगर आपको इसका शोरबा और पतला करना हो तो आप इसमें और पानी डाल सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसको खत्ते आने तक मंदी आंच में पकाएंगे जिससे कि तरी भी अच्छे से आ जाएगी इसमें और पानी भी अच्छे से पक जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा इसका। गोश्त के तबेले में कितनी अच्छी उबाली आ रही है। ये हमारा गोश्त बन करके रेडी है।